हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लस ग्रेड। देखिए, अगर आप AFSB और SSB की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टेज वन में OIR का नॉन वर्बल का प्रैक्टिस सेट दूसरा है जो मैं इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। और एक मैंने सेट नंबर वन जो है पहले करवा दिया है, उसका जो लिंक है वो यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। और बाकी AFSB के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपके लिए इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो भी करवा रखे हैं उसमें। और बहुत सी चीज़ें उसमें हैं, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा इसका। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें नॉन वर्बल की सीरीज चल रही है तो मैंने 16 क्वेश्चन पहले करवा दिए थे और अब इसके आगे करवाऊंगा। देखिए, इसका यहाँ पे मिरर इमेज लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है और इसका मिरर इमेज बताना है। अब देखिए, मिरर में क्या होता है, दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, मतलब लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो देखिए, ये बाईं तरफ है जो ब्लैक कलर, तो मिरर की दूसरी तरफ ये राइट साइड हो जाएगा। तो इसमें नहीं है राइट, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर सीधा सीधा आ गया पहला। तो ये आ गया आंसर इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें ये जो है ये वाले तीन, ये 90 डिग्री ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। 90 डिग्री देखिए आप, ऐसे घूम रहे हैं और वैसे ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखिए, जो जिसमें लाइनिंग थी वो हो गया वाइट, और जिसमें लाइनिंग नहीं थी, जिसमें वाइट था वो हो गया लाइन वाला। इसमें जो लाइन वाला है वो वाइट हो जाएगा। तो देखिए, ये लाइन वाला था तो ये वाइट हो गया, आंसर नंबर इसका आ गया ई। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें जो ये फिगर है, ये आपको दिख रही होगी, जो अब ये 45 डिग्री घूम रहा है क्लॉक वाइज, तो ये यहाँ से ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये भी ऐसे घूम जाएगा, तो इसका जो होगा इसका आंसर ऐसे, मतलब ये ऐसे घूम के कुछ ऐसे आपको दिखेगा ऐसे। तो इसमें भी नहीं है वो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऐसे घुमा हुआ सिर्फ तीसरे सी में है, तो ये आ गया आंसर इसका। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी क्वेश्चन उसमें आते हैं। देखिए, ये आपने वैसे उसमें भी कर रखे हैं, एफकेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप, ये तो रिविज़न सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस सेट, तो अभी आपको पता है कैसे करना है। देखिए, ये सर्कल में और जो ये है अपना त्रिभुज, इनके बीच में है एक डॉट लगा हुआ, तो हमें वो ढूंढना है जिसमें डॉट लगा हुआ है त्रिभुज और सर्कल के बीच। आप सीधा ये याद रखिए, ढूंढना किसमें, सर्कल और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, त्रिभुज और जो सर्किल है वो अलग अलग है, ये तो हो गई नहीं, इसमें है लेकिन ये इसके बीच में ये आ गया, वर्ग आ गया, तो इसको हटा दो। अब इसमें देखिए, इसमें आपको मिल जाएगा, तो यही आंसर हो गया इसका, इसमें भी नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये एक तो ट्रायंगल और दूसरा सर्कल के बीच में है, तो पहले एक ही बिंदु को पकड़ लीजिए। देखिए, इसमें इसमें नहीं होगा, इसमें सर्किल और जो ट्रायंगल है इसमें इसमें भी नहीं है, सर्किल ये सर्किल और ये ट्रायंगल इसमें एक बन जाएगा जो कि यहाँ आ जाएगा, और जो दूसरा है वो ओनली सर्कल में आएगा तो वो यहाँ आ जाएगा, तो इसका भी आंसर आ गया आपका तीसरा। इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मिल जाएगा लेकिन ओनली सर्कल नहीं मिलेगा, तो ये भी हट गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ओनली जो सर्कल है और जो आपका ये वर्ग है इसमें ढूंढना है, मतलब इसको हटा देना है, इसको हटा दिया, इनमें आपको मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें अलग अलग है नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिल रहा, तो आंसर हो गया आपका वन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में जो सर्किल है और जो सर्किल है और ये ट्रायंगल है इसके बीच में, देखिए सर्किल ट्रायंगल ये मिल गया, यहाँ पे सर्किल ट्रायंगल मिल गया, यहाँ सर्किल ट्रायंगल मिल गया, यहाँ सर्किल ट्रायंगल मिल गया, लेकिन अब साथी में, तो अब दूसरा चेक करो जो जी इसमें और ट्रायंगल में, इनमें देखो ट्रायंगल और इसमें नहीं है, ट्रायंगल ये नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें ये जो सर्किल है ये भी आ रहा है, तो ये तो वही होगा नहीं, सर्किल और ट्रायंगल, सर्किल और ट्रायंगल तो हो गया ये। अब देखिए, ये भी नहीं हो सकता,
और फिर आंसर इसमें देख लीजिए, सर्किल, सर्किल नहीं है सॉरी, ये है वर्ग का, और उसके बाद है ये ट्रायंगल, ट्रायंगल और ये इसमें नहीं है, तो आंसर तीसरा ही होना चाहिए। आगे ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसको मोड़ के यहाँ से ऐसे फ्लिप कर दिया, और इसको मोड़ के ऐसे इसके ऊपर रख दिया यहाँ से, तो कुछ ऐसी आकृति बन गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, छेद किए, दो छेद यहाँ, दो छेद यहाँ, और एक बीच में ऐसे बना दिया। इसमें देखिए ये तो है, ये तो सभी में है, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ एक यहाँ पे है, तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा इधर, तो यहाँ पे भी एक गोला आएगा, और यहाँ है तो यहाँ पे भी एक गोला आएगा। तो आप देख लीजिए ऐसा किस में है, दो इधर, इसमें भी नहीं है, दो इधर, ये तीसरा आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, अगला। अब इसमें देखिए इसको फोल्ड करके यहाँ रख दिया, अब इसको फोल्ड करके यहाँ रख दिया, तो कुछ ऐसी आकृति बन गई ये यहाँ पे। अब देखिए जब इसको यहाँ से खोलेंगे तो मिरर इमेज बन जाएगा, एक डॉट यहाँ आ जाएगा, एक डॉट यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही जब इसको खोलेंगे तो एक डॉट यहाँ आ जाएगा, सॉरी एक सर्कल यहाँ आ जाएगा, और फिर इसको खोलेंगे तो एक यहाँ और एक यहाँ, कुछ ऐसा किसमें दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद आ गया ये प्रॉब्लम फिर, मतलब ये इससे संबंधित है, ये इससे है, इससे मतलब इसके बाद क्या इसमें आएगा। अब देखिए जो तीन सर्कल थे वो ऊपर आके एक बन गया, इसमें देखिए जो ये लाइन है एल जो बने हुए हैं एल टाइप के, ये तीन हैं तो ऊपर जाके ये एक हो जाएगा, तो एक इसमें है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अब आंसर तो फिर एक ही बचा, A1, तो यही हो गया। चलिए आगे, अब इसमें देखिए जो आपको कुछ ऐसे इसमें दिख रहा है ऐसे, तो एक तो ट्राइंगल ऐसे होगा, सॉरी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हाँ देखिए अब एक तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, और एक ऐसे आ जाएगा जो एक इधर से है, तो ये मतलब इसका जो है मिरर इमेज इधर बना के रख देना, कुल मिला के सीधी सीधी बात ये है। अब देखिए ऐसे हो गया, अब ऐसा किस में दिख रहा है आपको, इसमें नहीं दिख रहा क्योंकि ये यहाँ पे नहीं आया पास, तो ये हट गया। तो इसमें देखिए इसमें भी नहीं दिख रहा क्योंकि ये यहाँ आना चाहिए, ये भी हट गया, ये इसमें भी नहीं है, इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हो गया चार। इसके बाद ये है, अब देखिए ये जो लाइन है ये ऐसे जा रही है, तो ये छोटी लाइन ऐसे जा रही है, तो ये भी ऐसे यहाँ से ये ऐसे जाएगी एक, और दूसरी ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा और ऐसा तो यहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है, और यहाँ से ऐसे ऐसे मिलाना चाहिए लाइन, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ आ रही है, तो ये आंसर हो गया, ये भी नहीं है। उसके बाद ये ब्रिक्स वाला सवाल है अभी, हाँ दो तीन, तीन बचे हैं, तो इसका देख लीजिए, यहाँ पे जो ये है ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे यहाँ पे जाएगी, तो तीन तो होनी चाहिए, तीन इसमें 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 सभी में तीन है। इसके बाद है आपको देखिए यहाँ पे जो कि ऐसे यहाँ पे देखिए, एक तो ऐसे आ रहा है, ये बन यहाँ पे ऐसे बन गया ये, और तो इसका आंसर लगभग ये होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। उसके बाद देखिए जो ये तीन लाइनें हैं, ये ब्लैक डॉट है, इनको छोड़ के ये नीचे की तरफ होगी, तो ये जो दो लाइनें हैं ये ब्लैक जो हैं डॉट, इनको छोड़ के कुछ ऐसे हो जाएंगी, और ब्लैक वैसे के वैसे रहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कैसे दिख रहा है, नहीं, हाँ ये दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया तीसरा। उसके बाद है कुछ सातवां, सातवें में देखिए वाटर इमेज बताया है, एक्स फिगर इसका, इस फिगर का वाटर इमेज बताना है। वाटर इमेज में देखिए वो मिरर में तो ऐसे होता है दाएं से बायां, ये जो वाटर में ऊपर से नीचे हो जाता है। अब देखिए इसमें, इसमें देखें तो ये तो सेम ही दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें देखें ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे नहीं दिख रहा बिल्कुल भी,
और इन दोनों में से देख लेते हैं, इन दोनों में से अब ये देखें तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर नंबर इसका 2 हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन और डिस्कस कर दिए हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे, और आप FSB की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।